तो ट्रेडिंग सीखने एंड सिखाने के प्रोसेस में एक कदम आगे बढ़ाते हुए आज हम यहाँ पे जानने वाले हैं कि हेज ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग में हेज ट्रेडिंग क्या होती है, वो कैसे कर सकते हैं। साफ और सामान्य शब्दों में कहें तो हम एक ही समय किसी क्वाइन में लॉन्ग एंड शॉर्ट कैसे ओपन कर सकते हैं। ये जरूरत हमें क्यों पड़ती है, क्योंकि अगर हम नूबड़े होते हैं ट्रेडिंग में तो हम कुछ शैतानी दिमाग का यूज करते हैं। जैसे अगर एक ही टाइम पे आप लॉन्ग और शॉर्ट दोनों एक साथ एक ही क्वाइन में सेम अमाउंट पे अगर आपने सेम लिवरेज के साथ ओपन कर दिया तो क्या होगा, मार्केट है ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, जाना तो दो ही जगह है। अगर लॉन्ग एंड शॉर्ट आपका सेम टाइम में सेम प्राइस पे सेम लिवरेज के साथ सेम अमाउंट के साथ आपने ओपन किया है लॉन्ग एंड शॉर्ट, तो क्या होगा, अगर प्राइस वहां से ऊपर गया तो जो आपका लॉन्ग है वो आपका प्रॉफिट में दिखेगा, जो आपका शॉर्ट है वो आपका लॉस में दिखेगा। तो क्या होगा, अब सपोज दैट प्राइस ऊपर गया तो आपका लॉन्ग वाले में $5 प्रॉफिट दिखा रहा है एंड शॉर्ट वाले में आपका $5 माइनस दिखा रहा होता है। तो अगर कहीं आपको ये लगेगा कि यहां से रेजिस्टेंस फेस कर सकता है ये प्राइस जो चल रहा है, तो वहां आप लॉन्ग वाला हो सकता है कि क्लोज कर देंगे, यानी $5 पे आपने क्लोज कर दिया तो आपका $5 प्रॉफिट बुक हो गया, लेकिन जो शॉर्ट वाला है वो अभी $5 माइनस दिख रहा है। वहां से अगर प्राइस थोड़ा सा भी नीचे आता है तो आपका जो $5 माइनस दिखा रहा था वो हो सकता है $4 माइनस पे आए, $3 माइनस पे आए, $2 माइनस पे आए। अगर आप $2 माइनस भी अगर आप क्लोज कर देंगे तो भी ओवरऑल आप जो है कि $3, अगर थोड़ा सा फीस माइनस कर देंगे तो $2.5 आपका प्रॉफिट तब भी हो जाएगा। तो है ना मजेदार बात। तो आइए हम सीखते हैं कि हम हेज ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं इजीली तरीके से। यहां पर देखिए मैंने बाइनांस ओपन कर लिया है, आपको दिख रहा है। अब आप यहां पे देखेंगे जो मेरा फंड है जीरो दिखा रहा है, तो अभी मैं स्पॉट वैलेट से फ्यूचर वैलेट में ट्रांसफर कर लूंगा। आपको यहां पे दिख जाएगा, यहां USD सेलेक्ट है, यहां पे मैं मैक्स कर दूंगा, कंफर्म ट्रांसफर कर दूंगा, तो हमारा फ्यूचर वाले वैलेट में यहां पे दिखने लगेगा $51 है कि नहीं। अब आपको क्या करना है, अब देखिए मैं आपको हेज ट्रेडिंग एक बार मैं आपको ऐसे ही समझा देता हूं कि जरूरत क्यों पड़ती है हेज ट्रेडिंग की। सपोज दैट कि अगर आप एक टाइम में क्या करते हैं, किसी भी क्वाइन में अगर आप लॉन्ग करते हैं, ऐसे लॉन्ग कर दिया आपने, मतलब इस प्राइस पे आपने लॉन्ग किया, तो क्या होगा, आपका अगर प्राइस जो है ऊपर गया तो यहाँ पे आपका प्रॉफिट में दिखा रहा है, ये आपका पी मतलब प्रॉफिट आप समझ लीजिए। फिर अगर आप सोचते हैं कि ये यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर सकता है, यहाँ से प्राइस नीचे जा सकता है, तो आप क्या सोचते हैं, अब हम यहाँ पे जो है ना शॉर्ट कर देते हैं, तो क्या होगा कि जो आपका लॉन्ग ओपन होता है ना वो क्लोज हो जाएगा, समझ गए आप, वो क्लोज हो जाएगा और आपका यहाँ पे शॉर्ट चलने लगेगा। मतलब ये प्रॉफिट में क्लोज हुआ लेकिन यहाँ पे आपका शॉर्ट चलने लगा, समझ रहे हैं। और अगर यहाँ से प्राइस और ऊपर गया तो चूंकि आपका यहाँ पे लॉन्ग जो था वो क्लोज हो चुका है और यहाँ पे शॉर्ट वाला ऊपर जा रहा है, तो यानी आपका यहाँ पे लॉस होना चालू हो जाएगा। अब इसी के उल्टा सपोज दैट अगर आपने इस लेवल पे लॉन्ग किया हुआ है, ठीक है, यानी यल प्राइस ऊपर जाना चाहिए लेकिन वो क्या हो रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, तो आप क्या सोचेंगे, यार ये लग रहा है कि प्राइसवा जो है नीचे ही जा रहा है, हमको शॉर्ट कर देना चाहिए यानी सेल। तो आप क्या करेंगे, इस प्राइस पे सोच रहे हैं कि प्राइस जो है कि नीचे जा रहा है तो हम यहाँ पे सेल कर देते हैं, तो क्या होगा, अगर हेज ट्रेडिंग आप नहीं कर रहे हैं तो ये जो आपने लॉन्ग किया था, मान लीजिए $10 ये माइनस चल रहा था क्योंकि यहां से नीचे आया था, तो आपका क्या होगा, लॉन्ग वाला क्लोज हो जाएगा, यानी आपका $10 माइनस हो जाएगा और ये शॉर्ट वाला यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अगर यहाँ से नीचे गया तब तो आपका शॉर्ट वाला प्रॉफिट देगा, लेकिन सोचिए अगर यहीं से ऊपर जाने लगा तो आपका क्या होगा, लॉन्ग वाला आपका जो है ना कि क्लोज हो चुका है, ये भी तो माइनस आपका $10 हो ही गया है, और ये शॉर्ट आपने यहाँ से किया था, नीचे जाना चाहिए था लेकिन ऊपर जा रहा है, तो अब ये शॉर्ट वाला भी माइनस जा रहा है। तो अब आप ये सोचेंगे यार अब ये ऊपर जा रहा है, यहाँ से हमको लॉन्ग कर देना चाहिए, तो क्या होगा, जैसे ही आपने लॉन्ग किया तो आपका ये शॉर्ट जो है ना ये क्लोज हो जाएगा, यानी जितना यहाँ पे माइनस गया रहेगा वो क्लोज हो जाएगा, फिर आपका यहाँ पे लॉन्ग ओपन होगा। तो यहाँ पे समस्या क्या आ रही है, आपको समझ में आ गया होगा, यानी किसी भी क्वाइन में आप एक टाइम में चाहे आप लॉन्ग ही ओपन कर सकते हैं, चाहे आप जो है कि शॉर्ट ही ओपन कर सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पे आपने लॉन्ग ओपन किया, इस प्राइस पे आपने लॉन्ग ओपन किया लेकिन मार्केट यहाँ आ गया, तो आपका क्या हुआ, यहाँ पे माइनस चल रहा है, जैसे यहाँ पे मान लीजिए $2 माइनस चल रहा है, फिर आप क्या किए कि यहां से एक लॉन्ग और ओपन कर लिए, ठीक है,
अब आपका यहाँ पे जो लॉन्ग था वो क्लोज नहीं होगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पे शॉर्ट ओपन करते तो क्लोज हो जाता लॉन्ग वाला, लेकिन यहाँ पे अगर आपने पहले लॉन्ग ओपन किया माइनस प्राइस जो है कि नीचे आया और आपका जो है कि $2 माइनस चल रहा है, तो यहाँ पे फिर अगर आपने लॉन्ग ओपन कर दिया तो क्या होगा, दोनों का इस प्राइस का और इस प्राइस का जो एक एवरेज प्राइस निकल के आएगा वो लगभग यहाँ पे आएगा। मान लीजिए कि एंट्री प्राइस आपका यहाँ पे बिटकॉइन का अगर $20,000 है और यहाँ पे जो है कि $18,000 है, आपने $20,000 पे ओपन किया था लॉन्ग और यहाँ पे $18,000 पे फिर से ओपन किया, तो आपका जो एवरेज प्राइस होगा वो लगभग $19,000, मान लीजिए $19,000 का आपका यहाँ पे एवरेज प्राइस हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, मार्केट यहाँ 18,000 से जब 19,000 के ऊपर जाएगा तो आपका यहाँ पे प्रॉफिट होना चालू हो जाएगा। तो आप क्या करते हैं, जैसे कि आपने यहाँ पे लॉन्ग ओपन किया मार्केट नीचे आया, फिर आपने लॉन्ग ओपन किया मार्केट और नीचे आया, फिर आपने लॉन्ग ओपन किया, फिर आपने लॉन्ग ओपन किया, तो आपका जो एवरेज होगा लगभग मान लीजिए यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, लेकिन अब इतने सारे आपके लॉन्ग ओपन हो चुके हैं और आपका जो है कि सारा का सारा माइनस दिखा रहा है, लेकिन सपोज दैट यहाँ पे अगर आप हेज ट्रेडिंग कर रहे होते तो उसमें ये ऑप्शन मिल जाएगा आपको कि लॉन्ग और शॉर्ट दोनों एक साथ ओपन कर सकते हैं। तो क्या होता है, जैसे आपने यहाँ पे लॉन्ग ओपन किया और इस प्राइस पे मार्केट चल रहा है, तो यहाँ आपने अगर शॉर्ट ओपन किया क्योंकि मार्केट यहाँ पे भी आया, तो ये शॉर्ट वाला आपका प्रॉफिट जाने लगेगा और जितना नीचे आएगा उतना शॉर्ट वाला आपका प्रॉफिट जाएगा। तो आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे आप शॉर्ट क्लोज कर दीजिए, समझ गए आप, और मार्केट जब यहाँ से जब ऊपर जाएगा, क्योंकि आपका इस प्राइस पे लॉन्ग ओपन है, यहाँ से जब ऊपर जाएगा तो आपका ये भी प्रॉफिट में आ जाएगा, समझ गए आप। ये होता है हेज ट्रेडिंग, मतलब लॉन्ग एंड शॉर्ट एक साथ ओपन कर सकते हैं। सपोज दैट अभी मैं आपको लाइव भी दिखा देता हूँ, यहाँ पे मैं क्रॉस मार्जिन है, और ध्यान रखिएगा अगर आप ये हेज ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ये क्रॉस मार्जिन अगर आप रखेंगे तो ज़्यादा आपके लिए सही रहेगा। यहाँ आप क्रॉस कर लीजिएगा और यहाँ पे 20x लिवरेज की जगह आप 2x 3x कर लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। यहाँ पे लिमिट है, इसको आप कर लीजिए मार्केट। अब यहाँ पे मैं पहले करता हूँ लॉन्ग, यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मैंने 15-16 ये कर दिया और यहाँ पे मैं करता हूँ लॉन्ग। अब आपको यहाँ पे क्लियर समझ में आएगा, देखिए यहाँ पे हमारा लॉन्ग चल रहा है और ये प्रॉफिट ROI आपका यहाँ पे दिखेगा। अब मैं क्या करता हूँ, इसको एक बार शॉर्ट करने का प्रयास करता हूँ। यहाँ से अगर देखते हैं शॉर्ट में करता हूँ तो क्या होता है, यहाँ पे मैंने अमाउंट डाल दिया ये वाला, यहाँ मैं करता हूँ सेल शॉर्ट, तो ये सेल शॉर्ट हो गया। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे जितना अमाउंट का हमने यहाँ पे लॉन्ग किया था, मान लीजिए हमने $5 का लॉन्ग किया था और हमने यहाँ पे $10 का शॉर्ट कर दिया, यानी शॉर्ट ज़्यादा हो गया, तो यहाँ पे अब जो शॉर्ट होगा वो खाली $5 का ही शॉर्ट होगा, ये आप समझिए, मतलब पूरा क्लोज नहीं होगा। यानी जितने अमाउंट का अगर हमने यहाँ पे लॉन्ग किया था $5 का और हमने $10 का शॉर्ट किया, तो क्या होगा, खाली यहाँ पे $5 ही शॉर्ट बचेगा, समझ गए आप। मतलब अगर आपने लॉन्ग किया $10 का और अगर आपने कर दिया $20 का शॉर्ट, तो वहाँ पे आपका शॉर्ट वाला अमाउंट ज़्यादा है और लॉन्ग वाला 10 था, तो यानी 10-10 क्लोज हो जाएगा, बचेगा आपका 10। अब एक बार मैं यहाँ पे लॉन्ग करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे अगर आप अमाउंट देख लेंगे तो अभी साइज जो है कि $5 का है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं करता हूँ लॉन्ग, यहाँ पे साइज मैं कर देता हूँ ये वाला, यहाँ पे देखिए 36 आ गया ना, तो 36 का अब मैं यहाँ पे लॉन्ग करता हूँ तो देखते हैं कितना बचेगा। तो अब आप यहाँ पे देखिए, क्योंकि हमारा शॉर्ट था $5-6 का और यहाँ पे 36 आ गया, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमारा शॉर्ट वाला क्लोज हो गया, यानी $6 वो खा गया, ठीक है, और यहाँ पे इतना ही बचा 30, समझ गए आप। यानी आप एक टाइम में दो पोजीशन ओपन नहीं कर सकते, इसको मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। अब यहाँ पे बात आती हेज ट्रेडिंग की, तो आपको यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिख जाएगा, इस पर आपको जाना है, यहाँ पे प्रीफ्रेंस पे चले जाना है और यहाँ पे पोजीशन मोड सेटिंग आपको मिल जाएगा, ये वाला आप यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आप देखेंगे वन वे मोड है, इसको आपको हेज मोड पे टिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पे आपका हेज मोड हो गया, बैक आ जाना है। अब देखिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, पहले थोड़े अमाउंट का मैं यहाँ पे लॉन्ग करता हूँ, यहाँ पे ओपन पे सिलेक्ट है, यहाँ पे देखेंगे तो $15 का ये लॉन्ग हो जाएगा मेरा, यहाँ पे मैं ओपन कर देता हूँ लॉन्ग। अब क्या करना है, यहाँ क्लोज पे नहीं जाना है आपको, फिर से अब यहाँ पे मैं करता हूँ शॉर्ट, मान लीजिए कि ये कर दिया और यहाँ पे देखिए ओपन शॉर्ट है, तो यहाँ मैं कर देता हूँ ओपन शॉर्ट। तो अब आप देखेंगे तो मेरा दोनों पोजीशन यहाँ पे ओपन एंड शॉर्ट दोनों ओपन हो चुका है। अब क्या होगा, प्राइस एक ऊपर जाएगा तो हमारा जो ओपन लॉन्ग वाला है वो हमारा प्रॉफिट देगा और जो ओपन शॉर्ट वाला है वो हमारा लॉस देगा, अगर नीचे जाएगा तो शॉर्ट वाला प्रॉफिट देगा, ओपन वाला लॉन्ग वाला हमारा लॉस जाएगा। अब इस कंडीशन में क्या होता है, सपोज दैट
वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बिटमार्ट एक्सचेंज के बारे में बताना चाहता हूं। अगर आप यहां पे ट्रेडिंग करना चाहते हैं फ्यूचर ट्रेडिंग का, आपको यहां पे अच्छा ऑप्शन मिल जाता है। यहां पे देखिए फ्यूचर, आप जाके फ्यूचर ट्रेडिंग भी कर सकते हैं यहां पे, और यहां आपको आए दिन एयर ड्रॉप भी मिलता है नए नए क्वाइनों को। जैसे कभी इससे पहले लूना क्लासिक का यहाँ पे एयर ड्रॉप मिल रहा था, बिटगेट क्वाइन का एयर ड्रॉप मिल रहा था। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एयर ड्रॉप अगर मिल रहा होता तो यहाँ पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे प्रमोशन और बोनस गिव अवे भी यहाँ पे चल रहा है। अगर आप यहाँ पे आएंगे तो आपको कुछ बोनस मिल जाएगा फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए। आप फ्यूचर ट्रेडिंग कर सकते हैं, फ्यूचर बोनस आपको यहाँ पे मिल जाएगा। करना क्या है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, उससे आपको यहाँ पे साइन अप कर लेना है। और अगर आप यहाँ पे फ्यूचर ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो इजी तरीके से आप यहाँ पे भी फ्यूचर ट्रेडिंग कर सकते हैं। यहाँ पे आइसोलेट एंड क्रॉस मार्जिन दोनों आपको यहाँ पे मिल जाएगा। लीवरेज जो है आपको यहाँ पे 100x तक का लीवरेज मिल सकता है, आप लीवरेज लेके ट्रेडिंग कर सकते हैं। ध्यान रहे कि अगर ज़्यादा लीवरेज रहेगा तो प्रॉफिट तो ज़्यादा हो सकता है लेकिन आपका लॉस भी, यानी पूरा खत्म भी हो सकता है आपका जो जितना एसेट है। तो बिटमार्ट काफी अच्छा एक्सचेंज है, वर्ल्ड के टॉप 20 एक्सचेंजेस में से एक है ये बिटमार्ट। आप इसको साइन अप कर लीजिएगा और यहाँ आपको वो सब कॉइन मिल जाते हैं जो कि बड़े बड़े एक्सचेंजेस पे लिस्ट नहीं होते हैं, जैसे कि बिटगेट हो गया, लवली इनू हो गया, ये सब जो नए नए कॉइन आते हैं ना तो यहाँ पे आपको जल्दी मिल जाएंगे। तो ये बेनिफिट आपके लिए रहेगा। तो ये बिटमार्ट एक्सचेंज आप लोग यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। साइनअप अगर आप करेंगे तो 20% डिस्काउंट मिलेगा जो ट्रेडिंग फीस कटेगा आपका। तो फटाफट इसको साइनअप कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ आप देखेंगे एक हमारा शॉर्ट वाला ओपन है, एक लॉन्ग वाला ओपन हो चुका है, और एक प्रॉफिट देगा तो दूसरा वाला लॉस देगा। अगर शॉर्ट वाला प्रॉफिट देगा तो लॉन्ग वाला लॉस जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि मान लीजिए कि मार्केट क्या है कि अगर मान लीजिए ऊपर जा रहा है तो आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपको लगता है कि यहाँ पे चार्ट आपको एनालिसिस करना पड़ेगा, फिर आप जो है कि वहां से लॉन्ग वाला क्लोज करके लॉन्ग वाला प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। मार्केट अगर थोड़ा सा भी अगर नीचे आता है, मान लीजिए पूरा नहीं नीचे आता, यहाँ पे आपने लिया था, तो भी आप अगर शॉर्ट वाला पोजीशन क्लोज कर देंगे ना तो ओवरऑल आप प्रॉफिट में ही रहेंगे। और अगर ये जितना नीचे चलता जाएगा तो आपका जो प्रॉफिट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जाएगा, समझ रहे हैं आप। और जो यहाँ पे प्रीमियम सिग्नल देते हैं टेलीग्राम ग्रुप में, बहुत सारे लोग मिल जाएंगे वहाँ पे, स्क्रीन शॉट शेयर करते हैं। मैं बताता हूँ आपको स्क्रीन शॉट कैसे शेयर किया जाता है। जैसे कि ये वाला अभी मेरा यहाँ पे ट्रेड चल रहा है, ये देखेंगे यहाँ पे स्क्रीन शॉट आपको मिल जाएगा। ये देखेंगे बाइनांस का कुछ इस तरह से आपको स्क्रीनशॉट दिखेगा, हमारा इतना प्रॉफिट चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे सेव इमेज करेंगे, ये आपका सेव हो जाएगा इमेज और टेलीग्राम पे भेज देंगे। तो लोग क्या करते हैं यहाँ पे, और ये जो लॉस चल रहा है, ठीक है, लॉस वाला यहाँ पे भी करेंगे तो लॉस वाला भी आपको स्क्रीनशॉट मिल जाएगा, ठीक है। तो जो प्रीमियम सिग्नल देते हैं ना, मैं इसलिए नहीं देता हूँ, तो क्या करते हैं एक ही टाइम में सेम प्राइस पे, सेम अमाउंट पे, सेम कॉइन में लॉन्ग एंड शॉर्ट दोनों ओपन कर देते हैं। अरे ससुरा, एक तो प्रॉफिट तो देगा ही, समझ रहे हैं, चाहे वो लॉन्ग वाला प्रॉफिट दे चाहे शॉर्ट वाला प्रॉफिट दे, जितना ज़्यादा नीचे जाएगा तो यहाँ पे देखेंगे ना तो 200, 300, 500% का प्रॉफिट आपको दिखाते हैं स्क्रीन शॉट में। क्यों, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमारा जब 500% एक तो प्रॉफिट तो दे ही रहा है, एक हमारा दूसरा जो है 500% लॉस भी गया होगा, लेकिन लॉस वाला आपको स्क्रीन शॉट शेयर नहीं करेंगे और प्रॉफिट वाला स्क्रीनशॉट आपको टेलीग्राम में चिपका देंगे। तो आपको लगेगा अरे बाप रे, बहुत जबरदस्त टेलीग्राम ग्रुप है भैया, हमको प्रीमियम लेना ही लेना है, हमको घर बेच के लेना है, प्रीमियम लेना है और करोड़पति बन जाना है। तो प्रीमियम के चक्कर में जो है ना कि वो लोग, उनको भी नहीं पता होता है जो प्रीमियम देते हैं, तो यही चीज होता है ना, लॉन्ग एंड शॉर्ट दोनों एक साथ ओपन करते हैं और उनका कोई लॉस ही नहीं है। दोनों अगर एक साथ क्लोज भी कर देंगे ना तो एक प्रॉफिट में क्लोज होगा, एक लॉस में क्लोज हो जाएगा, तो उनका क्या हो जाएगा, बस थोड़ा सा उनका जो फीस कटता है, मतलब वो तो मामूली सा होता है, मान के चले $0.1 $0.01 इस तरह से थोड़ा बहुत फीस कट जाएगा, लेकिन चूना किसका लगेगा कि आप इतना प्रॉफिट देख के प्रीमियम दे देंगे। अरे ससुरे, जब इतना ही उनको सब कुछ पता है तो प्रीमियम क्यों ऑफर करते हैं देने के लिए, खुद ही ट्रेडिंग करके करोड़ों छाप ले आए कि नहीं। तो ये प्रीमियम वालों के चक्कर में आप लोग ना पड़िएगा, मैं आपको यहाँ पे सिखाने के लिए बैठा हूँ, आप लोग धीरे धीरे सीखिए लेकिन यार मजबूती के साथ आगे बढ़िए ना। ऐसा थोड़ी नहीं कि आप शॉर्टकट के चक्कर में जो है कि अपना सारा पैसा जो है गंवा दीजिए, ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। अब देखिए यहाँ पे एक बोनस टिप्स आपको यहाँ पे मैं देना चाहता हूँ, जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना मार्जिन, ये आपको दिख जाएगा, यहाँ पे आपको लिक्विडेशन प्राइस दिख रहा है, ठीक है। जैसे कि ये लिक्विडेशन प्राइस है, मतलब जो भी प्राइस चल रहा है वो आप यहाँ पे देखेंगे, ये मार्केट प्राइस आपको यहाँ पे दिख रहा है, $5.81 चल रहा है, और ये प्राइस जो है कि $8.62 जाएगा तो हमारा ये जो शॉर्ट वाला है ये लिक्विडेट हो जाएगा, और ये वाला अगर जो है कि प्राइस इस पे जाएगा तो ये हमारा लिक्विडेट हो जाएगा। तो अगर आपके पास फंड है तो यहाँ पे देखिए मार्जिन आपको ऐड कर देना है, आप यहाँ पे देखिए ना जो आपका लिक्विडेशन प्राइस है ये आपका दिख जाएगा, तो यहाँ आपका ऐड का ऑप्शन है, यहाँ पे अमाउंट आपको डाल देना है।
आप अगर यहाँ अमाउंट डाल देते हैं, मान लीजिए कि अगर मैं यहाँ पे $5 करता हूँ, तो यहाँ पे अब लिक्विडेशन जो प्राइस है ना, वो आपका यहाँ पे नीचे आ गया, देखिए $1.1 का यहाँ पे दिख रहा है, मतलब प्राइस और नीचे चला गया। अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा ऐड कर देंगे, मतलब आपका USDT ऐड हो जाएगा, मतलब आपका यहाँ पे मार्जिन ऐड कर देंगे, तो आपका जो लिक्विडेशन प्राइस है वो और नीचे चला जाएगा, समझ रहे हैं, लॉन्ग आपने किया है तो, अगर शॉर्ट आपने किया है तो और ऊपर चला जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे आप मार्जिन ऐड करके अपना जो लिक्विडेशन प्राइस है उसको जो है बढ़ाओ घटा सकते हैं। यहाँ पे आपको रिमूव का भी ऑप्शन मिल जाएगा, अगर आप रिमूव करना चाहते हैं, यहाँ पे ऐड पे जाके रिमूव पे करके जितना अमाउंट आपको रिमूव करना है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे 2 कर दूंगा, तो यहाँ पे जो है कि आप रिमूव भी कर सकते हैं, अगर आपने ऐड किया तो आप उसको बाद में निकाल भी सकते हैं। तो आपका क्या होगा कि मान लीजिए इस प्राइस पे आपका जो है 100% लॉस हो जाता, तो वो प्राइस और ऊपर बढ़ जाएगा, तो आपका यहाँ पे जाएगा तब लॉस होगा, और अगर ऐड कर देंगे मार्जिन तो बहुत ऊपर चला जाएगा, तो आपका जो है कि लॉस, कभी तो मार्केट नीचे आएगा ना, तो आपका जो है ना कि लॉस होने से 100% बच जाएगा। ठीक है, ये आप ध्यान रख सकते हैं। बाकी ओवरऑल मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है, तो उम्मीद है यार आपको समझ में भी आया होगा। फिलहाल मैं यहाँ पे दोनों को क्लोज कर देता हूँ, क्लोज हो गया मेरा, अब मेरा एक लॉस में क्लोज हुआ, एक मेरा प्रॉफिट में क्लोज हुआ। तो ये दोस्तों जो है ना हेज ट्रेडिंग, वो टेक्निकल एनालिसिस का पार्ट नहीं है, एक होता है ना तुक्का या फिर शैतानी दिमाग वाला, कि हम यहाँ पे लॉन्ग शॉर्ट दोनों ओपन कर रहे हैं, एक टाइम जो लॉन्ग वाला प्रॉफिट हम बुक कर लेंगे, थोड़ा सा अगर नीचे आएगा हम शॉर्ट वाला भी क्लोज कर देंगे तो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन ये जो है ना कि इससे भी लॉस हो जाएगा, अगर आपका आपने सही से ट्रेडिंग नहीं किया तो, सही दिमाग नहीं लगाया तो इस मेथड से भी आपका लॉस हो सकता है। बस ये मैंने आपको जानकारी के लिए बताया, आपकी मर्जी, अगर आप आजमाना चाहें तो थोड़ा बहुत अमाउंट से आप आजमा सकते हैं। बाकी अगर आपको पसंद आ रहा हो ये जानकारी, अगर आपको समझ में आई हो, तो आप ये लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर अनदर टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।